तो आज फिर से नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है, जो कि हिंदी का सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में 45 ले लिए हैं, जो कि आप देखिए कि 45 में आपका कितना स्कोरिंग हो पाता है। वैसे 45 में यदि आपको 30 से ऊपर सही हो जाता है तो बुझिए खूब अच्छा खासा आपका तैयारी है। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, ठीक है ना। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 2021 में भी ये प्रश्न को पूछा है। और एक बात बता दें कि यदि लगे कि आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल बन रहा है आपके एग्जाम व्यू से, तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी विषय का लगातार अपडेट मिलता रहेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो यह एक कहानी है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, ठीक है ना। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मार खाना मदन के लिए मामूली बात था। और देखिए 2021 में भी यह प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, विष का दांत। ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए अब इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, ठीक है ना, कब हुआ, ठीक है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, चार का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1916 में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। और देखिए 2019 में भी यह प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और पांचवा नंबर प्रश्न पर पढ़ेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, पटना में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और छठा नंबर प्रश्न पर। छठा नंबर प्रश्न हमें यहाँ कह रहा है कि गिरधर लाल का बेटा है, गिरधर लाल का बेटा कौन है, ठीक है ना। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मदन गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे सातवां नंबर प्रश्न पर। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि खोखा किस कहानी का पात्र है, ठीक है ना, खोखा किस कहानी का पात्र है। तो सात का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बीस का दांत कहानी का पात्र है खोखा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहां पर आठ नंबर प्रश्न को देखेंगे। आठ नंबर प्रश्न देखिए 2021 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। अब इसका आठ नंबर प्रश्न कह रहा है, मदन किसका बेटा था, ठीक है ना, मदन किसका बेटा था। तो आठ का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गिरधर लाल का था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। नौ नंबर प्रश्न कह रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ठीक है ना, सेन साहब की कितनी लड़कियां था। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सेन साहब की लड़कियां पांच थी, सेफा, रजनी, ओला, सेफाली, ऐसे करके था। और ये 2021 में प्रश्न को पूछा गया है, देखिए बोर्ड मेडल प्रश्न भी है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और दस नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सीमा, रजनी, ओला, सेफाली, आरती, पांचों किनकी बिटिया थी, ठीक है। तो 10 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर सी हो जाएगा, सेन साहब की ये पांचों बिटिया थी, ठीक है ना, और सेन साहब का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, खोखा था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, ठीक है ना, ना उम्मीद बुढ़ापों की आंखों की तारा है। तो क्या है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा कि बी नंबर हो जाएगा, खोखा हो जाएगा, ठीक है। ना उम्मीद बुढ़ापे की तारे का मतलब हो गया क्या कि सेन साहब को बुढ़ा में एक बेटा हो गया था जिसका नाम क्या था, खोखा था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, ठीक है ना, किसके अनुसार सेनों ने भी सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। और देख लीजिए ये प्रश्न 2018 में भी प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न, यदि हेल्पफुल वीडियो लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़ा, ठीक है ना, और देखिए 2019 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है, ठीक है। तो खोखा के दांत किसने तोड़ा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया था,
ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सेन साहब की कार की कीमत है, ठीक है ना, सेन साहब की कार की कीमत कितना है, और देख लीजिए ये 2019 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। तो सेन साहब की कार का कीमत क्या है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, 7,500 सेन साहब के कार की कीमत है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है सेन साहब की आंखों का तारा है, ये 2019 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, ठीक है ना, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, खोखा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब 16 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो से किससे हो सकता था मोटर को खतरा, ठीक है ना, देखिए 2019 में भी प्रश्न को पूछा गया है। तो 16 का आंसर नंबर क्या है, ए है, खोखा से हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि सेन साहब के बेटा का नाम क्या था, खोखा था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र की है। ठीक है, तो 17 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए 2018 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ठीक है ना, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, किरानी था। ठीक है ना, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था। और ये 2021 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। एक बात आपको बता दें कि गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था, ठीक है ना, और सेन साहब के बेटा का नाम क्या था, तो सेन साहब के बेटा का नाम क्या था, खोखा था। और गिरधर लाल का बेटा का क्या था, मदन नाम था। ठीक है ना, मदन नाम था। ठीक है, और इसी दोनों के बीच विवाद हुआ और जिसके कारण जो है कि विष के दांत कहानी को लिख दिया गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, नलिन बिलचंद शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त है। ठीक है, तो 20 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब की लड़कियां है, क्योंकि उसको टोला मोहल्ला में, क्योंकि वो लड़की जो थी उतना किसी से बातचीत भी नहीं करती थी, जिसके कारण जो है कि उसका उदाहरण गांव उसका टोला में दिया जाता था, तो सेन साहब की ही पांचों लड़कियां थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सीमा रजनी ओला सिफाली आरती पांचों किनकी बहने थी। ठीक है ना, तो पांचों किनका बहने थी, तो ये खोखा की बहन थी। ठीक है ना, क्योंकि खोखा भाई में एक था और पांच बहन उनको थी। ठीक है, और ये प्रश्न जो है कि 2020 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है, बोर्ड मॉडल एकदम पूरा प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और इसमें 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ठीक है ना, झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, महल वाले ही जीतता है, क्योंकि धनी जो व्यक्ति होता है, धनी का साथ धनी ही देता है, क्योंकि गरीब को देखने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीत जाता है, तो इसका आंसर नंबर ए हो गया। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो है हमें यहां पर कह रहा है कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है। ठीक है ना, कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है, तो 23 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 20 का दांत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 24 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। यहां 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महामहोध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, कौन थे। ठीक है ना, तो 24 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका नलिन बोलचंद शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पंडित राम अवतार के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था, जो संस्कृत और दार्शनिक के प्रख्यात विद्वान थे, महापंडित वो के रूप में वो जाना जाता था, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, नलिन बोलचंद शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करने वाली कहानी है, मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करने वाली कहानी है, कौन सी कहानी है, तो 25 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 20 के दांत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 20 के दांत जो कहानी है ना, इसे मध्य वर्ग के परिवार के लेकर के ही और धनी परिवार के लेकर के ही कहानी को रचा गया था। ठीक है ना,
चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है, ठीक है ना। 20 के दांत के कहानी का प्रमुख पात्र इसमें कौन है, तो 26 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, खोखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 27 नंबर प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते ही चलेंगे, ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है, कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में कासू लेखक क्या कहता है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। हड्डियों और मांस की लड़ाई है, बगल के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई है। गली के कुत्ते जो है ना मदन को कहा गया था, क्योंकि मदन गरीब है और एक जो है कि वो जो बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके परिवार के बच्चे को, मतलब आप समझिए ना कि धनी व्यक्ति जो है कि गरीब का जो बच्चा होता है उसको इसी तरीका से पुकारता रहता है कि गली के कुत्ते हैं, तो ऐसे वैसे बहुत ढंग के कहता रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है, ठीक है ना। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है, ठीक है ना, क्योंकि गिरधर के बेटा का नाम क्या था, तो मदन था, ठीक है ना। और तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, लपक कर मदन के को हाथों से उठा लेता, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। जब वो खोखा के दांत तोड़ देता है एक नौकर का बेटा जिसका नाम मदन है, तो जब गिरधर को ये बात को पता चलता है तो गिरधर जो है लपक करके अपने बेटे मदन को हाथों से गोद में उठा लेता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न को, जब ये कहानी को पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आपको एकदम दिल गदगद हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, ठीक है ना। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, अखबार नवीस, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और यहां पर देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल में इसका हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं, ठीक है ना, वो प्राध्यापक किस स्कूल के रहे, किस कॉलेज के रहे, तो 31 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के। हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा के भी थे, रांची विश्वविद्यालय के भी और पटना विश्वविद्यालय के भी प्रधानाध्यापक रूप में वो कार्य किए थे, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है काली चमकती हुई स्ट्रीम इंड नई मोटर कार थी, ठीक है ना, तो 32 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सेन साहब की, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले, ठीक है ना, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, दो दांत वो मदन खोखा को तोड़ डाला था, तो इसका आंसर दो हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, ठीक है ना, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेन साहब की कार थी, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 35 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांच ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत ही है, उपर्युक्त गंधांश किस पाठ का है, ठीक है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 20 के दांत कहानी का तो ये पात्र ही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहां पर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, ठीक है ना, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, 36 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, काली रंग की थी, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गधांश के लेखक कौन है, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं 20 के दांत एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो 37 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमें यहाँ पर कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विद्योगी को उजागर करती है, ठीक है, तो 38 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, निम्न वर्ग के, 20 के दांत जो ऐसा कहानी है ना जो निम्न वर्ग के बात इसमें बताया गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसके चकनाचूर किया था, ठीक है ना, किसने चकनाचूर कर दिया था सेन साहब की नई मोटर कार की, तो इसमें 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, कासू ने उसको तोड़ा था, ठीक है ना। कासू खोखा किसको कहा गया है, कासू खोखा को ही कहा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 40 नंबर
कह रहा है, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद है। यह गधांस किस पाठ का पात्र है, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, 20 के दांत का, ये कहानी का ही पात्र है, इसमें खोखा और ये सब चीज बोला भी गया है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है खोखा के पिता है, ठीक है ना, खोखा के पिता कौन है। तो 41 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, सेन साहब खोखा के पिता है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, ठीक है ना। तो किसके लिए था, तो 42 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिटिया के लिए, ठीक है ना। बिटिया के लिए घर में दूसरे नियम था और खोखा जो बेटा था उसका कासू, उसके लिए दूसरे नियम था, ठीक है ना। बिटिया को पढ़ाया नहीं जाता था लेकिन बेटे को जो है वो पढ़ाया जाता था। बेटा कितना भी खचराई करता था, गाड़ी तोड़ देता था, कुछ भी कर देता था, लेकिन बेटे का बड़ा ही करता था, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी, अपने बच्चे के भविष्य में ऐसा ख्याल किनका है। तो 43 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेन साहब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है, ठीक है ना। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सेंसा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे शुरू में कहा गया था 45 क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक क्वेश्चन नहीं हो पाया टाइपिंग, 44 क्वेश्चन ही है। तो देख लीजिए 44 में आपका कितना स्कोरिंग है, अगर 30 प्लस है तो आप समझ जाइए कि काफ़ी अच्छा खासा आपका तैयारी ऑब्जेक्टिव का हो रहा है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर कर लेंगे कि आपका 44 में कितना सही हो पाया। लेकिन वैसे तो सही करने वाला 44 में एकदम 40 तो 100% ही है कि कर लिया होगा इसमें टिक आउट। तो धन्यवाद दोस्तों।